मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शराब व्यवसाय पर 5% मूल वृद्धि के विरोध में इंदौर शराब ठेकेदारों ने कमिश्नर कार्यालय जाकर ज्ञापन दिया। शराब व्यवसायियों का कहना है कि जो टैक्स बढ़ाया गया है वो गलत तरीके से बढ़ाया गया है, क्योंकि जब हमने दुकान ली थी उस समय की जो राशि है और आने वाले समय में जब लाइसेंस रिन्यू होंगे उस समय हमें दिक्कत आएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शराब व्यवसाय पर 5% मूल वृद्धि का विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को शराब ठेकेदार इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। शराब ठेकेदारों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा शराब व्यवसाय पर जो 5% अतिरिक्त कर लगाया गया है उसे हटाया जाए, क्योंकि शराब की बॉटल पर जो MRP लिखी हुई है उसे अधिक ग्राहकों से नहीं ले सकते। जब MRP नहीं आएगी उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है, यह सरकार को उसी वक्त करना होगा। ऐसे में शराब व्यापारियों ने टैक्स नहीं बढ़ाया है, क्योंकि जो भी ग्राहक दुकान पर आता है वह MRP देखने के बाद अधिक पैसा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने में रमेश चंद्र राय, रामस्वरूप शिवहरे, अंतर सिंह भाटिया, वीरेंद्र सिंह ठाकुर, धर्मेंद्र मिश्रा, अंकित जायसवाल, दिनेश पुरोहित, मोहित जायसवाल, राजेश चोकसे, भूपेंद्र रघुवंशी, गोपाल गौरव जायसवाल सहित अनेक बड़े व्यापारी मौजूद रहे। सर, 21 तारीख से शासन ने जो है हमारे शराब की जो भेंट की दर 5%, इसको 10% कर दिया है, जो कि गलत तरह से किया है। जो एक बार ठेका देने के बाद जो बीच में शासन नहीं कर सकता इसको, लेकिन उन्होंने अब अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए जबरदस्ती हमारे ऊपर लाद दिया है। तो शराब व्यवसाय किस तरह से अब आगे क्या कार्रवाई करने चल रहे हैं, किस तरह से हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शासन के समक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमको राहत दी जाए। बीच मध्य में शासन में नहीं कर सकता इसको, वो नहीं किया है। तो आप लोग अभी रेट बढ़ाएंगे या क्या क्या स्थिति रहेगी? रेट तो हम MRP ऊपर बढ़ा नहीं सकते, कर सकते हैं जो हमारा रेमेडी पूरी यूज करेंगे। राज्य शासन द्वारा 5% वेट पूर्व में लिया जा रहा था, जो हमारा गजट नोटिफिकेशन में था, उसको बढ़ा के शासन ने 5 से 10% वेट कर दिया गया है, जो कि ना ही अनुचित है, ना ही कोई गजट में उसका प्रकाशन किया गया है और ना ही कोई सूचना हमें दी गई है। सिर्फ प्रेस के माध्यम से बता दिया गया है। सेकंड डे अधिकारियों के पास ऑर्डर आ गए कि आप 5% अधिक वेट लिया जाए। अगर 5% अधिक वेट लिया जाएगा तो हम लोग आगे की लाइसेंस फीस भरने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि भी नई MSP MRP शासन द्वारा नहीं आई है। उस संबंध में आज हम यहाँ आए थे संभागीय कार्यालय पे और हमने ज्ञापन दिया है और शासन से मांग की है इस पे पूर्ण विचार किया जाए और नई MSP MRP जल्दी से हमें दिया जो बड़ा है उससे उसके बिजनेस पे किस तरह का प्रभाव पड़ने को देखा। 5% बढ़ाने से अतिरिक्त भार ठेकेदारों पे आ जाएगा, वित्तीय भार, और हम लाइसेंस फीस आगे भरने में समर्थ रहेंगे, क्योंकि हमारी अभी MSP MRP नहीं बढ़ी है, तो हम ग्राहक से वेट ना भी ले नहीं पाएंगे।